to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. सभी मित्रों को नमस्कार, गुरुजनों को प्रणाम। तो आज का विषय है सूर्य तीसरे भाव में। मित्रों, अगर हम सूर्य की बात करें तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता सूर्य ही है। इंसान की जिंदगी में जितना सूर्य का महत्व है और किसी ग्रह का नहीं है। इसी से ही दिन रात होते हैं। दुनिया में जो ऊर्जा जितनी पैदा होती है वो सूर्य के द्वारा ही होती है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में और ज्योतिष में इसकी बहुत महत्ता बताई गई है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो इसकी पूजा करने का विधान है। गायत्री मंत्र भी इसी की आराधना में लिखा गया है। मित्रों, जिसका भी सूर्य शुभ राशि में हो, पहली, चौथी, पांचवीं, आठवीं, नौवीं, बारहवीं में होगा, तो वह जातक तेजस्वी, प्रतापी और शत्रु नाशक होता है। और यदि अशुभ राशि में हो तो क्रोधी, दूसरों का हित करने वाला, नीच प्रकृति का होता है। सूर्य से ही हम आत्म सिद्धि, पिता, मानसिक चिंता, मान सम्मान, इन सबको हम सूर्य से ही देखते हैं। राज दरबार, अपना शरीर, अपना आप, सरकारी नौकरी, हिसाब किताब, सरकारी हिसाब किताब, हर प्रकार की शिक्षा, शरीर की हड्डी के रोग, स्पेशली दिल की धड़कन, यह सब सूर्य से ही देखी जाती है। पहले पांचवें और ग्यारहवें घर में वैसे तो सूर्य को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन हर घर में ये डिपेंड करता है ये किस राशि में है और किन ग्रहों के साथ है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सूर्य का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कैसा रहेगा। वैसे लाल किताब मुताबिक मंगल छठे हो, केतु पहले घर में हो, तब भी सूर्य उच्च हो जाता है। अगर सूर्य के साथ उसके शत्रु ग्रह भी हों तो भी वो सूर्य की मदद ही करते हैं। इसका ये उम्र है जो इसकी 22 साल की उम्र से इसका प्रभाव शुरू होता है। एक ख़ास बात और, सूर्य कभी भी खुद में नीच नहीं होता, बल्कि अगर इसके साथ कोई ग्रह हो तो ये अपना नीचपन, उसका प्रभाव अपने साथी ग्रह पे डाल देता है। मित्रों, तीसरे घर में सूर्य अगर इंसान के हो और अच्छी पोजीशन में हो तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाइयों से, भाई भतीजों से, अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है। तीर्थ यात्रा का शौकीन होता है। जिंदगी में बहुत तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलता है। स्वयं कमाकर खाने वाला होता है। संपत्ति इसके पास होती है। यदि बुध यहाँ पे अच्छा हो तो इंसान ज्योतिषी हो सकता है और गणित का मास्टर हो सकता है, अकाउंट्स का भी काम करने वाला हो सकता है। और धन का राजा कहा गया है ऐसे इंसान को, खुद कमाकर खाने वाला, खूबसूरत भी होता है, उसकी और उसकी संतान की उम्र लंबी होती है। ऐसे इंसान को धोखा देना या अकल से इसको धोखा खाना मुश्किल होता है। यह इंसान दुखी नहीं रहता। अगर बुध का अच्छा प्रभाव हो तो बुद्धि से अपने काम करके अच्छा धन कमाता, अच्छी जीविका चला लेता है। ऐसा इंसान सूर्य के प्रभाव की वजह से कभी भी दो नंबर का माल, चोरी का माल या कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं खरीदेगा या काम करेगा जिसमें मान हानि का खतरा हो। अगर चंद्रमा अच्छा हो कुंडली में तो माता की उम्र काफ़ी लंबी होती है ऐसे इंसान की। ऐसे इंसान के अगर दिन में संतान पैदा हो तो वो बहुत अच्छी रहती है। अच्छा सूर्य यहाँ भाई भतीजों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है। इंसान को चाहिए कि वो अपने बेटे और भाई भतीजों के साथ मिलकर काम करें। अगर सूर्य यहाँ अशुभ फल देने वाला हो जाए, अशुभ कब होगा? अगर इंसान का चाल चलन बुरा होगा। चाल चलन बुरा सूर्य के प्रभाव को नीच कर देगा। या इंसान अपने भाई भतीजों के साथ कोई हेरा फेरी करे या उनका कोई नुकसान करे तो यहाँ अच्छा सूर्य भी खराब फल देने लगता है। अगर सूर्य खराब हो या खराब असर दे रहा हो तो ऐसे इंसान के दिन दहाड़े चोरियां होंगी। अगर नौवां घर कमजोर हो
तो बाप दादा भी ऐसे इंसान के निर्धन देखे गए हैं. पहला घर अगर कमजोर हो कुंडली का तो पड़ोसी तक बर्बाद हो जाते हैं, और अगर कहीं बुध खराब हो गया तो स्वयं इंसान बुद्धिहीन और ऐसे काम करता है जिससे उसकी बदनामी हो, और इससे उसके मामा के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. तो सूर्य तीसरे अच्छे वाले को इन चीज़ों का ध्यान रख के चलना चाहिए, तो यहाँ सूर्य अच्छा फल देगा. अगर नीच काम करे या बदचलनी के काम करे तो सूर्य कितना भी अच्छा हो वो इंसान को नुकसान करता है, यहाँ पे बदनामी. मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा को दिल का स्वामी माना गया है. आज विषय चल रहा है तीसरे घर में चंद्रमा पर. तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, अगर जिंदगी में इंसान के चंद्रमा यानी कि मन की शांति ना हो, माता का आशीर्वाद ना हो, तो इंसान की जिंदगी नरक बन जाती है. तो चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो सूर्य से रोशनी लेता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. सूर्य उसे चाहे कितना भी ताप दे लेकिन चंद्रमा उसे ठंडे दिल से शांत कर देता है. चंद्रमा को छोटा राजा भी बोला जाता है, सूर्य राजा, चंद्रमा छोटा राजा. चंद्रमा हमेशा सूर्य के पैरों के पास ही रहना पसंद करता है. चंद्रमा मन की शांति, जीवन के सुख, चौथे घर का मालिक, दूध, चांदी, पानी, चावल, इन चीजों का स्वामी. चंद्रमा अगर तीसरे घर में हो, अच्छे अगर उसके रिजल्ट देखे जाए, तो बताया गया है कि जातक माया से परिपूर्ण होता है. योगी बोला गया है तीसरे घर में चंद्रमा के, आदमी साधु योगी टाइप होता है. और अगर सिद्धियों की ओर निकल जाए तो रिद्धि सिद्धि का मालिक भी हो सकता है. गृहस्थी में हो तो धन दौलत अच्छी होती है, हर हालत में धनी जरूर होता है, आयु लंबी होती है. ऐसा इंसान जब भी पैदा होता है तो उसके परिवार में वृद्धि होती है, यानी कि लाभ होता है उसके पैदा होने के बाद. इंसान के परिवार में तरक्की होती है. शादी के बाद ऐसा जातक काफ़ी तरक्की करता है, यानी कि स्त्री उसके जीवन में तरक्की का रास्ता खोलती है. यहाँ पे तीसरे घर पे क्योंकि मंगल और बुध का भी स्वामित्व रहता है, तो यहाँ बुध के साथ चंद्रमा खराब असर देता है. इससे इंसान का जो बुध है चंद्रमा के साथ मिलने पर, ऐसा इंसान नशों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है. वाणी बोलने में उसके वाणी कड़वी हो सकती है. तो ऐसा इंसान अगर बुध के प्रभाव में हुआ या बुध खराब हुआ तो वो उसको बहुत ही नेगेटिव असर देगा. यहाँ मंगल का भी प्रभाव रहता है, अगर मंगल के साथ मिलकर या मंगल अच्छी पोजीशन में हो तो फिर इंसान मधुरभाषी, मेहनत करने वाला, सच्चा चरित्र का, भाइयों का इसको पूर्ण साथ रहता है. कभी भी कोई दिक्कत हो तो अचानक कहीं ना कहीं से सहायता मिली जाती है ऐसे इंसान को, क्योंकि यह मंगल का पक्का घर होता है. तो मंगल अगर साथ दे, अच्छा हो, तो जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा. चाहे अब मंगल चौथे घर में भी हो, यहाँ मंगल बद माना गया, फिर भी अच्छा फल देगा. लेकिन अगर कहीं और कारणों से मंगल बद हो रहा हो तो फिर ऐसा इंसान की माता के साथ नहीं बनती, माता के साथ उसका डिस्प्यूट या झगड़ा रहता है. यहाँ अगर चंद्र अच्छा हो तो इंसान सबको तारने वाला होता है, भाई बहनों से भी उसको मदद मिलती है, संपत्ति भी मिलने के योग बनते हैं. ऐसे इंसान को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए, अगर हो सके
धन संपत्ति के लिए जो है तो मुमकिन नहीं है. वैसे तो घोड़ा पालना बताया गया है, घोड़ा पालना मुमकिन नहीं है, लेकिन घोड़े को कुछ ना कुछ इंसान खिलाता पिलाता रहे. तो चंद्रमा यहाँ पे कुल मिलाकर अच्छा ही फल देने वाला माना गया है, अगर बुध खराब ना हो या बुध का साथ ना हो. मित्रों, तीसरे घर में सूर्य अगर इंसान के हो और अच्छी पोजीशन में हो, तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाइयों से, भाई भतीजों से, अपने परिवार से प्रेम करने वाला होता है, तीर्थ यात्रा का शौकीन होता है. जिंदगी में बहुत तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिलता है, स्वयं कमाकर खाने वाला होता है, संपत्ति इसके पास होती है. यदि बुध यहाँ पे अच्छा हो तो इंसान ज्योतिषी हो सकता है और गणित का मास्टर हो सकता है, अकाउंट्स का भी काम करने वाला हो सकता है. और धन का राजा कहा गया है ऐसे इंसान को, खुद कमाकर खाने वाला, खूबसूरत भी होता है, उसकी और उसकी संतान की उम्र लंबी होती है. ऐसे इंसान को धोखा देना या अकल से इसको धोखा खाना मुश्किल होता है. यह इंसान दुखी नहीं रहता. अगर बुध का अच्छा प्रभाव हो तो बुद्धि से अपने काम करके अच्छा धन कमाता, अच्छी जीविका चला लेता है. ऐसा इंसान सूर्य के प्रभाव की वजह से कभी भी दो नंबर का माल, चोरी का माल या कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं खरीदेगा या काम करेगा जिसमें मान हानि का खतरा हो. अगर चंद्रमा अच्छा हो कुंडली में तो माता की उम्र काफ़ी लंबी होती है ऐसे इंसान की. ऐसे इंसान के अगर दिन में संतान पैदा हो तो वो बहुत अच्छी रहती है. अच्छा सूर्य यहाँ भाई भतीजों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है. इंसान को चाहिए कि वो अपने बेटे और भाई भतीजों के साथ मिलकर काम करे. अगर सूर्य यहाँ अशुभ फल देने वाला हो जाए, अशुभ कब होगा? अगर इंसान का चाल चलन बुरा होगा. चाल चलन बुरा सूर्य के प्रभाव को नीच कर देगा. या इंसान अपने भाई भतीजों के साथ कोई हेरा फेरी करे या उनका कोई नुकसान करे, तो यहाँ अच्छा सूर्य भी खराब फल देने लगता है. अगर सूर्य खराब हो या खराब असर दे रहा हो तो ऐसे इंसान के दिन दहाड़े चोरियाँ होंगी. अगर नौवां घर कमजोर हो तो बाप दादा भी ऐसे इंसान के निर्धन देखे गए हैं. पहला घर अगर कमजोर हो कुंडली का तो पड़ोसी तक बर्बाद हो जाते हैं. और अगर कहीं बुध खराब हो गया तो स्वयं इंसान बुद्धिहीन और ऐसे काम करता है जिससे उसकी बदनामी हो, और इससे उसके मामा के ऊपर भी इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. तो सूर्य तीसरे अच्छे वाले को इन चीज़ों का ध्यान रख के चलना चाहिए, तो यहाँ सूर्य अच्छा फल देगा. अगर नीच काम करे या बदचलनी के काम करे तो सूर्य कितना भी अच्छा हो वो इंसान को नुकसान करता है, यहाँ पे बदनाम. मित्रों, ज्योतिष में चंद्रमा को दिल का स्वामी माना गया है. आज विषय चल रहा है तीसरे घर में चंद्रमा पर. तो चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है, अगर जिंदगी में इंसान के चंद्रमा यानी के मन की शांति ना हो, माता का आशीर्वाद ना हो, तो इंसान की जिंदगी नरक बन जाती है. तो चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो सूर्य से रोशनी लेता है, उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. सूर्य उसे चाहे कितना भी ताप दे, लेकिन चंद्रमा उसे ठंडे दिल से शांत कर देता है. चंद्रमा को छोटा राजा भी बोला जाता है, सूर्य राजा, चंद्रमा छोटा राजा. चंद्रमा हमेशा सूर्य के पैरों के पास ही रहना पसंद करता है. चंद्रमा मन की शांति, जीवन के सुख, चौथे घर का मालिक, दूध, चांदी, पानी, चावल, इन चीजों का स्वामी. चंद्रमा अगर तीसरे घर में हो, अच्छे अगर उसके रिजल्ट देखे जाए, तो बताया गया है कि जातक
माया के माया से परिपूर्ण होता है, योगी बोला गया है तीसरे घर में चंद्रमा के, आदमी साधु योगी टाइप होता है। और अगर सिद्धियों की ओर निकल जाए तो रिद्धि सिद्धि का मालिक भी हो सकता है। गृहस्थी में हो तो धन दौलत अच्छी होती है, हर हालत में धनी जरूर होता है, आयु लंबी होती है। ऐसा इंसान जब भी पैदा होता है तो उसके परिवार में वृद्धि होती है, यानी कि लाभ होता है उसके पैदा होने के बाद इंसान के परिवार में तरक्की होती है। शादी के बाद ऐसा जातक काफ़ी तरक्की करता है, यानी कि स्त्री उसके जीवन में तरक्की का रास्ता खोलती है। यहाँ पे तीसरे घर पे क्योंकि मंगल और बुध का भी स्वामित्व रहता है, तो यहाँ बुध के साथ चंद्रमा खराब असर देता है। इससे इंसान का जो बुध है चंद्रमा के साथ मिलने पर, ऐसा इंसान नशों की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। वाणी बोलने में उसके वाणी कड़वी हो सकती है। तो ऐसा इंसान अगर बुध के प्रभाव में हुआ या बुध खराब हुआ तो वो उसको बहुत ही नेगेटिव असर देगा। यहाँ मंगल का भी प्रभाव रहता है, अगर मंगल के साथ मिलकर या मंगल अच्छी पोजीशन में हो तो फिर इंसान मधुरभाषी, मेहनत करने वाला, सच्चा चरित्र का, भाइयों का इसको पूर्ण साथ रहता है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो अचानक कहीं ना कहीं से सहायता मिल ही जाती है ऐसे इंसान को, क्योंकि यह मंगल का पक्का घर होता है। तो मंगल अगर साथ दे, अच्छा हो, तो जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा। चाहे अब मंगल चौथे घर में भी हो, यहाँ मंगल पद माना गया, फिर भी अच्छा फल देगा। लेकिन अगर कहीं और कारणों से मंगल बद हो रहा हो तो फिर ऐसा इंसान की माता के साथ नहीं बनती, माता के साथ उसका डिस्प्यूट या झगड़ा रहता है। यहाँ अगर चंद्र अच्छा हो तो इंसान सबको तारने वाला होता है, भाई बहनों से भी उसको मदद मिलती है, संपत्ति भी मिलने के योग बनते हैं। ऐसे इंसान को शिव आराधना जरूर करनी चाहिए, अगर हो सके धन संपत्ति के लिए, जो अब है तो मुमकिन नहीं है, वैसे तो घोड़ा पालना बताया गया है, घोड़ा पालना मुमकिन नहीं है, लेकिन घोड़े को कुछ ना कुछ इंसान खिलाता पिलाता रहे। तो चंद्रमा यहाँ पे कुल मिलाकर अच्छा ही फल देने वाला माना गया है, अगर बुध खराब ना हो या बुध का साथ ना हो।